ये बैंस को हमारा बोल आने को ये है देखो बिल्कुल खेतों के बीचों बीच घर है हमारा। सामने गुस्से मिलेगी आपको 15,000 वाली लाइट। सच्चा मेहनत कर रहा है जय बाबा। हाँ भाई साहब क्या कर रहे हो? बर लग रहे हैं बर। देखो मेहनती लड़का ये कुछ कला कर। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संदीप चौधरी यूपीपी। आज मैं सुबह 8 बजे उठा हूँ और इतनी ज़्यादा धूप हो गई है सुबह 8 बजे, बहुत दिनों के बाद मेरी नींद पूरी हुई है। आज आपको मैं अपना घर का व्लॉग दिखाऊंगा, ठीक है? और सामने से आ गए हमारे भांजे राजा, मैं उठाऊँ और ये नहा दो के रेडी है। देखो मेहनती लड़का ये कुछ कला कर। नमस्ते, क्या बना रही हो? मम्मी बना रही है कढ़ी चावल, रोटी रोटी और ये है अधजली दही। दही को आधा सा चला दो और चीनी मिला दो, लस्सी लस्सी बोल दो। तो मम्मी आज बनाएंगे घर को लोग, पूरी सफाई कर दी करना। हाँ कर दी। हाँ भाई साहब क्या कर रहे हो? बर लग रहे हैं बर। क्या चीज भाई? जेवरी ना जी, मोटी मोटी है। अच्छा देख रहे हो सुबह सुबह उठते ही क्या कार्रवाई चल रही है? फुल्ली टाइट है फिलहाल। हाँ मतलब अच्छी चीज, अभी ये ना खाट को बुनने में काम आएगी बहुत अच्छे से। इससे बनेगी चारपाई, हमारे यहाँ से खाट बोला जाता है। हाँ मन्नू छोटा भैया कहीं हुए मान लियो कि भाई साहब कभी नहीं। भ्राता आप ऐसे क्यों कर रहे हो हमारे साथ? उतारी उतारी नहीं भाई, भ्राता ही नजर लगा देंगे लोग। ये डिजिटल दुनिया है, ये हम चेंज हो जाएंगे फिर, हम नहीं बदल रहे। अब देखो थोड़ी सी दिखा सकते नाली माँ, माँ मैं भर दिखा दूँ वीडियो में, कोई रखा है ना यहाँ बोलो या वीडियो सब देखियो और लाइक करियो। कहा लाइक करियो? लाइक करियो। हाँ छोरा मेहनत कर रहा है, छोरा मेहनत कर रहा है। जय बाबा की, जय बाबा की। हाँ लाइक करें। ठीक है, पहला बारिश का मौसम था, एकदम से धूप निकल आई और घर से निकला है छोटे छोटे बच्चे। अब दिखाता हूँ आपको घर अपना। ठीक है ऊपर लगा रखी हरी पट्टी, सामने गुस्से ही मिलेगी आपको 15,000 वाली लाइट। सच भाई इतने की है छोटा सा पार्क कूदर है। और ये पापा का रूम है हमारे। आइए 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 लाइट ऑन करो। यहाँ हमारे पापा जी रहते हैं, सामने टीवी और ये उनके लिए हुक्का और ये है स्नैक कैचर। पापा शाम के लंच करते हैं और हुक्का। पर्सनली मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगता है पापा वाला रूम, मस्त एकदम। चलिए चलिए चलिए, हमारे लैट्रिन बाथरूम इनके गेट छोटे रह गए थे बाई चांस, तो भाई एडजस्ट हो रहा है। इधर मम्मी का चूल्हा, ऊपर जाने का रास्ता और ये है छोटी सी टीन जिसमें अगर बारिश हो। हेलो मैं जा रही हूं ऊपर, ऐसी स्टोर्स आई है, स्टोर पड़ा हुआ है इसमें। और ये हमारा पंखा। यहां एंट्री करते ही ये हमारी किचन, छोटी सी किचन है लेकिन सबसे ज्यादा मजा इसी में आता है। कढ़ी चावल, कढ़ी चावल और पिंकी और मैं, पिंकी ने जन्मदिन पर गिफ्ट दिया था ये वाला मुझे। ये मम्मी पापा और ये मैं छोटा कुड़ी सा, ये छोटा भाई जीतन, दादा दादी
इनमें से बताओ मैं कौन सा हूँ, इन दोनों में से, इन दोनों में से बताओ मैं कौन सा हूँ। और इसमें मेरी ट्रेनिंग ख़त्म हुई थी, मैं कितना पता लगा देख सकते हो आप, वही पढ़ने के लिए मैंने मैप लगा रखे हैं यहाँ पे। इसके बाद यहीं ये बीच में गैलरी है और ये दूसरा रूम पीछे वाला, इसमें मैं देखो मम्मी पापा, मम्मी पापा पिंकी, मम्मी पापा ये बड़ा भाई ताऊजी का लड़का और पापा, और ये हम तीनों बहन भाई, पापा जी जो स्टडी टेबल है पिंकी के लिए, और है हमारे भगवान जी। पहले हमारा घर यहाँ तक था, बाद में पीछे वाली प्लॉट खरीद ली हमने, तो इसमें ये दरवाजा लगवा दिया, ठीक है। और ये रन है, ये है तीसरा रूम, स्टोर रूम, टोटली स्टोर रूम है, इसी में हमने फ्रिज रख रखा है। ये हमारा चौथा रूम, जिसमें अगर मामा बुआ के सब लोग आ जाना इकट्ठे पड़े रहे हैं इसमें हम। ये पिंकी ने जीतन को गिफ्ट दिया था जीतन के जन्मदिन पर, और ये पिंकी, संदीप, जीतन और ये ताऊजी का लड़का सचिन जो आज एयरफोर्स में है, ये पुलिस में है, ये पिंकी है, ये ठेकेदार है जीतन, ये इंटीरियर का काम करता है भाई। अब मम्मी, ये नाना नानी और पापा जी देखो पूरे दुल्हे बने हुए हैं। ये एंड होने के बाद में ज़मीन जो बाद में खरीदी थी, तो इस वाली ज़मीन में पीछे की तरफ भैंस रखते हैं हम, एक भैंस, वो आपको दिखाता हूँ मैं। ये रहा, ये अनाज है, सूखा रखा है धूप में, और देखिए ये दो पेड़ लगा रखे हैं, वो दो शीशम का है, इसका मुझे भी ना पता, वहाँ पे लौकी है, लौकी उधर, और वो रही हमारी कल्लू, चले जाया तो चले जाया इसके की कल्लू। और ये हमने छोटा सा कुंडा बना रखा है, अभी खाली कर रखा है भैंसों के लिए लड़ामड़ी, और ये भैंसों का स्टोर रूम है अलग से पीछे की तरफ, देख सकते हो यहाँ तक घर था, ये पूरी दीवार थी, ये फोड़ दिया और गेट निकलवा के ये वाली प्लॉट अलग से लिया, तो इसमें हमने भैंस के लिए बनवा दिया। पीछे इसका अलग रास्ता है, वहीं से भैंस का सब खेतों का सामान वहीं से आता है, वहीं पीछे से इसमें स्टोर हो जाता है, उसमें कंडे और इसमें भैंस का खाने का सामान। पीछे का रास्ता दिखाता हूँ, अगर ये जगह पहले होती तो शायद हम अपना फ्रंट इधर करते, पर ये जगह बाद में लिया क्योंकि उधर का फ्रंट बहुत ज़्यादा अच्छा है। देखो यहाँ का व्यू देख सकते हो, ये पीछे का फ्रंट है हमारा, अगर पहले पता होता तो इसको फ्रंट बनाते हैं, बहुत ही चौड़ा रोड है, देखा इधर हो जाओ, यहाँ की मेरी बहुत सारी वीडियो प्लेटफॉर्म वायरल है, तो बस पीछे का एंड हुआ, अब ऊपर वाला रूम बच गया बस। तो पिंकी कर दिया घर का टूर, अब ऊपर का बच्चा है, ऊपर दिखाते हैं आपको, तो भाई टूटा फूटा कैसा भी है, पर बड़ा मज़ा आता अपने घर में। ये हमारा ऊपर का रास्ता, कभी मौका मिला तो छत पे वो आर्टिफिशियल घास वगैरह लगा के वो सारी चीज़ें कराऊंगा। हाँ ये घर का लुक बना देती, ये वाली लाइट पापा ने अलग से लगवाई थी, ये है देखो बिल्कुल खेतों के बीचों बीच घर है हमारा। और घर बना रखा है चौबारा, ऊपर का अलग से रूम है जो आपको दिखाता हूँ, ये अलग से कांच का ऑफिस टाइप का जैसे ऑफिस है, क्योंकि एसी की हवा बिल्कुल बाहर न जाने लगी। और जो ये बरामदा बनवाया अलग से, क्योंकि इसमें अलमारी वगैरह जो भी सामान है इसमें रखता हूँ, अभी खाली है, धीरे धीरे खरीदूंगा लगाऊंगा। और ये कमरा है जो इसका इंटीरियर करवाया है ना ऊपर वाला, ये छोटे भाई ने करवाया, अगर किसी को करवाना है तो मुझे DM करना है इंटीरियर के लिए, छोटा भाई करता है ये वाला काम। और ये टाइल मेरी पसंद की है, पता नहीं आपको अच्छी लगेंगी या ना लगेंगी, इसे बोलते हैं डायमंड टाइल, डायमंड टाइल। और ये पीछे की तरफ मैंने इसमें इलेक्ट्रिक डाल दिया, देखो ये स्लाइड वाला है, खुल जाएगा, बात भी बहुत अच्छा आएगा इसमें, बंद
बस यहीं से देख लूंगा सर, अंदर से दिखाने को जरूरत नहीं है, खूब बड़ा है यहाँ सब कम से कम यहाँ तक बस। तो ये हो गया हमारा होम टूर समाप्त, छोटा सा होम टूर, सिंपल एंड सोवर। बड़ा देखो छोटा सा घर है लेकिन इतना पसंद है, थोड़ा इंटीरियर की कमी है वो धीरे धीरे हो रही है, छोटा भाई कर रहा है वो काम। शुद्ध हवा है, पूरी ऑक्सीजन है, बिल्कुल खेतों के बीच में, गांव से निकल के। यहाँ से जो शहर पड़ेगा पलवल वो 10 से 12 किलोमीटर है, और जो हमारी तहसील है वो 3 किलोमीटर पड़ेगी। ग्यास एकादशी का फर्स्ट था, जो कि आज मतलब कल तो था पूरे दिन, और कल कुछ नहीं खाया और सुबह से कुछ नहीं खाया। अब गाय के लिए जा रहे ना, गाय को रोटी खिला के और पानी चढ़ा के उसके बाद खाना खाओगे। हाँ बोलने की बंदी है मम्मी? हाँ खाऊंगी और क्या। बोल दो ना, ऐसा ही गाय की मौज आएगी। और अब आयो तुम, अब तो ब्लॉग बन लिया भाई। नाजुक से टाइम कती मैं बार पड़काया। क्या पड़काया तुम? मैं टेबल कर गया थी, मैं सो लेक कर गया, पूरे काफी बढ़िया है। तो कौन सी टेबल करी तूने, लकड़ी की यार, प्लास्टिक वाली? हो गया आज के ब्लॉग का अलग ही आनंद। देखो क्या मौसम हो रहा है, जो बाहर ना अनाज सुखा रखा था ना, अभी दिखाया आपको ब्लॉग में, अभी अंदर रखना। चलो उठाओ, जोर लगा के उठाओ, उठाओ मुझे तो बहुत पसंद है। और आपको कैसा लगा हमारा घर तो कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू सो मच ये ब्लॉग देखने के लिए। राधे राधे, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, जो भी है।